मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर के कविता से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि के कविता को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जी हाँ, के कविता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वो भी 9 अप्रैल तक के कविता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि ईडी की रिमांड के बाद, पूछताछ के बाद आज के कविता की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में की गई, जहां ईडी ने ये कहा कि अब हमें इनकी रिमांड पर रखने की जरूरत नहीं है इनको, बल्कि न्यायिक हिरासत में इनको भेजा जाए, जिसके बाद कोर्ट का ये फैसला सामने आया। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे 9 अप्रैल तक के कविता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत। देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो कमिटमेंट है, उसका ही असर है कि एक ताकतवर मुख्यमंत्री की बेटी, जो स्वयं एक लीडर भी है, उसके पिता तेलंगाना नाम हटल के उन्होंने भारत रख दिया। प्रधानमंत्री की रेस में अपने आप को लेकर के आ रहे थे, बेटी को बचा नहीं पा रहे, बेटी चली गई जेल, तिहाड़ जेल पहुंच गई के कविता। लेकिन कई सारे सवाल के कविता को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के माथे पे पसीना आ रहा है। सबसे बड़ी चीज, के कविता का तो ज्यादा दिन हुआ नहीं, ईडी ने क्यों नहीं कहा कि हमें और इसकी जरूरत है, हमें और पूछताछ करनी है, हमें और रिमांड चाहिए। मतलब इसने सब कुछ उगल दिया। क्या उगला ये आगे बताऊंगा मैं। इसने सब कुछ बता दिया, और जो कल हमने बताई थी खबर कि किस तरीके से केजरीवाल के आमने सामने जो बिठाया गया, केजरीवाल कांपने लगा था। अब सबसे बड़ी चीज, के कविता को जब गिरफ्तार किया गया, केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा। केजरीवाल गिरफ्तार हो रहा है तो केसीआर की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, के कविता के भाई की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। इस शराब घोटाले में विपक्षी पार्टियां रामलीला मैदान में आंदोलन करने जा रही है, उसमें केसीआर शामिल नहीं हो रहे। बेटी इसी केस में जेल में है और पिता इस केस के विरुद्ध में जो आंदोलन हो रहा है उसमें शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री के घर को घेरा जा रहा है, कोई मॉरल सपोर्ट तक नहीं है। ये क्या हो गया? होता यही है, डकैत सब डकैती के लिए जाता है, लुटेरे जब लूट के लिए जाते हैं तब तो एक साथ रहते हैं, तब झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा कब होता है, कब गोलियां चलती है डकैतों के बीच? जब डकैती का जो माल होता है उसके बंटवारे की समय, जब माल बांटने का टाइम आता है तो डकैत आपस में लड़ते हैं, मेरा ये मेरा वो। वही हुआ है। ये शराब घोटाले में जो लोग लुटेरे बनकर दिल्ली आए, जिन लोगों ने डकैती की, ये आपस में, अब ये इनका बिल्कुल दुश्मनी वाला जो है रिश्ता हो गया है। कोर्ट में ईडी ने कहा कि हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, कुछ लोगों को सामने बिठा करके पूछताछ की गई, लेकिन ईडी ने ये नहीं बताया कि कौन सामने बैठा। भाई, सामने बिठाया गया अरविंद केजरीवाल के साथ। और इसलिए देखिए, हालत खराब है। आप भाई केजरीवाल से कोई सवाल, हालांकि तो लोग करते नहीं, तमाशा कर रहे हैं, भीड़ आ जाए नहीं, लोग आ जाए नहीं। प्रधानमंत्री के घर को आप लोगों ने क्या समझ लिया था? आपके साथ जनता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पटेल चौक से आगे एक कदम नहीं बढ़ सके, वहां कैमरा वाले ज्यादा है, आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्टर्स कम है, तो खैर ये तो अलग कहानी है। सवाल ये है कि भाई 12-13 इनके सांसद है ना भाई राज्यसभा में, भाई कहां गायब हो गए सब लोग? कोई नजर आ रहा है? कोई नजर नहीं आ रहा। भाई क्या हो रहा है? ये मुख्यमंत्री
भगवंत मान, भाई तुम्हारे पास प्लेन है, तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है, गिरफ्तारी हो गई, तुम आराम से सोए रहे, अगले दिन दोपहर में चेहरा दिखाने के लिए आते हो, वो भी बाय रोड, कि चलो भाई धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब है कि केजरीवाल की गुनाहों के बारे में उसके इनर सर्किल में सबको मालूम है, ये सबको समझ में आ गया है कि ये छूटने वाला नहीं है, चोरी पकड़ी गई है। और ये जो के कविता का जो कांड हुआ, ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए बिल्कुल ही नींद उड़ाने वाली बात हो गई। अब ईडी ने स्वयं कह दिया कि हमें पूछताछ मेरी पूरी हो गई है, जिसके सामने बिठाना था हमने बिठा दिया, बातचीत हमें अब कोई पूछताछ नहीं करनी है। मतलब जो जिन जिन सवालों का जवाब इनको चाहिए था वो इनको मिल गया है, अब इनको तिहाड़ भेज दीजिए, 15 दिन तिहाड़ में रहेगी, एक बार और शायद एक्सटेंशन हो, फिर बेल एप्लीकेशन ये लोग मूव करेंगे, न्यायिक हिरासत में जाएंगे, जो कानूनी प्रक्रिया है, बेल के लिए जब लोग आएंगे, ईडी कह देगी भाई हमारा काम हो गया, आप जाइए। केजरीवाल जो उन्होंने सारी सारी बातें बता दी, अब मे बी अब वो कल जा करके बता दे कि भाई हमें हम सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं, तब क्या करेंगे केजरीवाल? के कविता से क्या क्या सवाल जवाब किया था, के कविता से पूछा गया भाई केजरीवाल ने आपको अप्रोच किया क्या, आपने केजरीवाल को अप्रोच किया कि शराब घोटाले के जरिए दिल्ली को लूटना है, उनसे पूछा गया कि भाई कितनी बार आपकी मुलाकात हुई, जब ये पॉलिसी आ रही थी उससे पहले, पॉलिसी आने के बाद और पॉलिसी बनाने के दौरान केजरीवाल से आपकी कितनी कितनी बार मुलाकात हुई, ये मुलाकातें कहाँ हुई, क्या आप ये साउथ लॉबी जो तमाम लोग हैं जो आरोपी हैं उनके साथ क्या आप दिल्ली ट्रेवल करके आई हैं, किसी होटल में मुलाकात हुई, ये सारी जानकारी हम लोगों को भी मालूम है। लेकिन वो पूछताछ जो है उसमें उन्होंने बताया होगा और वो सेटिस्फाइड हो गए, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है जाओ, हमारा काम हो गया। सबसे मूल सवाल कि क्या केजरीवाल को ये नई आबकारी नीति बनाने के लिए आपने साउथ लॉबी के जरिए 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया, कैसे किया, कहां कहां किया, उसके बारे में बता दो। और ये 100 करोड़ रुपए का घूस ये किसने डिमांड किया, केजरीवाल ने डायरेक्टली आपसे कहा या विजय नायर के जरिए कहलवाया, ये तमाम चीजें जो हैं वो के कविता से ईडी जानना चाह रही थी। अब ईडी कह रही है कि सब कुछ मालूम चल गया, सारी बातें आ गई, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इसकी जरूरत नहीं है, और जिस तरह की तल्ख रिश्ते दिख रहे हैं केसीआर की पार्टी और आम आदमी पार्टी में, जिस तरीके से इस तमाम प्रोटेस्ट में वो नहीं है, केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने रोष दिखाया, बकायदा कुछ लोग बाहर आए, भाई तो बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ी रिच पार्टी है, के कविता के पिता की केसीआर की पार्टी तो तेलंगाना से भी भर भर के लोगों को ले आते, तेलंगाना जो है उसका 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 भी जो है झंडा नजर आता, तब तो ये कहते कि नहीं भाई सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं, चूंकि ये लोग साथ में नहीं है, इसका मतलब एक साफ साफ संकेत मिल रहा है कि के कविता केजरीवाल के खिलाफ सारे जो राज थे उसको उगल चुकी है। ईडी इज नाउ सेटिस्फाइड विद हर आंसर्स, और इसलिए ईडी ने आज हिरासत नहीं डिमांड की, और ये जो लीगल प्रोसेस है कि इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, अब रेगुलर बेल के लिए ये अप्लाई करेंगी, सरकारी गवाह बनेंगी। ये सारी खबरें ईडी के हिरासत में आज अभी थोड़ी देर के बाद बता दिया गया होगा केजरीवाल को, और केजरीवाल अब कांप रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये मुझे लग रहा है केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है कि वो ईडी ने जो जो खुलासे आज कोर्ट के अंदर किए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो के कविता को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, बल्कि के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये के कविता के लिए तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा टेंशन वाली बात केजरीवाल के लिए है, क्योंकि अगर के कविता सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाती है तो फिर केजरीवाल का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।